दुनिया में ऐसे कई पेंटिंग्स हैं जो कि रहस्य से भरे पड़े हैं। उनमें से कुछ के बारे में तो हमने बहुत सुना है, जैसे कि मोनालिसा। लेकिन आज मैं आपको मोनालिसा की तरह ही एक रहस्यमय पेंटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है जोकोर्मा वॉर 3। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जोकोर्मा वॉर 3 को और किसी ने नहीं बल्कि हमारे भारत के ही एक युवा व्यक्ति ने बनाया है, जिनका नाम चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर मेघवाल मात्र 19 वर्ष के हैं, जो कि तहसील के दिवाली गांव में रहने वाले हैं। उन्होंने इस पेंटिंग को 40 दिन कड़ी मेहनत करके बनाया है। उन्होंने इस पेंटिंग को कोरोना काल में ही बनाया है और उन्होंने इस पेंटिंग का नाम जोकोर्मा वॉर 3 रखा है, जिसका मतलब है जोकर, कोरोना और रामायण। इस पेंटिंग के जरिए उन्होंने कोरोना काल की छोटी छोटी बात को दर्शाया है और इस पेंटिंग में जो राम का किरदार निभा रहा है उसका नाम सुशीडोला मुनि है। उन्होंने इस पेंटिंग में डॉक्टर्स को भगवान राम के रूप में दिखाया है। इस पेंटिंग से वो दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। यदि हम प्रकृति के नियम का पालन नहीं करेंगे तो यह जो जोकोर्मा दूत है ये इंसानी जाति का अस्तित्व ही मिटा देगा, और यदि हम प्रकृति का नियम का पालन करेंगे तो हम एक अच्छा और सुखदायी जीवन जी सकेंगे। जोकोर्मा वॉर 3 एक ऐसा युद्ध है जिसे इंसान आपस में लड़कर, इंसान और प्रकृति साथ मिलकर कोरोना नामक राक्षस से लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो जोकोर्मा वॉर 3 या जोकोर्मा युद्ध 3 है, ये वर्ल्ड वॉर 3 से भी घातक युद्ध है। इस पेंटिंग में 2020 के भारत चीन के तनाव को भी दर्शाया गया है, जब हमारे वीर जवानों ने पेंगोम नदी के किनारे एलएसी पर चीन के सैनिकों को बुरी तरह से मार कर भगा दिया था। और इस पेंटिंग में एक कैरेक्टर को भी दर्शाया गया जिसे इंसान और पृथ्वी के मिश्रण से बनाया गया है और जिसका नाम है अर्थ ह्यूमन है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि इस कोरोना काल में पक्षी और जानवर मुक्त हो गए हैं और अपनी खुली और आज़ाद जिंदगी जी रहे हैं और इंसान घरों के अंदर कैद हो गया। और जो जोकोर्मा दूत है उसे प्रकृति ने भेजा है। जब पृथ्वी ने उसे आवाज़ लगाई, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ये इंसान मुझे दुख दे रहे हैं, ये इंसान मुझे बर्बाद कर रहे हैं, ये इंसान प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं, जिसके कारण प्रकृति ऊपर से आवाज़ लगाती है, तुम घबराओ मत पृथ्वी, तुम घबराओ मत, मैं जोकोर्मा नामक दूत तुम्हारी रक्षा के लिए भेज रही हूँ। इसके अलावा भी इस पेंटिंग में कई राज दफन हैं, जैसे कि विनायक का द्वारा अनानास खाकर उसकी दर्दनाक मौत हो जाना, और इसमें उन्होंने ओजोन लेयर का नष्ट हो जाना भी बताया है। इस पेंटिंग को 21वीं सदी की सबसे रहस्यमय पेंटिंग में से एक माना जा रहा है। इस पेंटिंग में चंद्रशेखर ने बहुत ही अच्छी तरीके से मौजूदा काल या कोरोना काल के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया है, जिससे हम मानव को कई सीख मिलती है और शायद आने वाले समय में इस पेंटिंग की चर्चा हर पूरे दुनिया में हो। सच में चंद्रशेखर ने अपनी अद्भुत कल्पना से इस पेंटिंग को एक असली जीवन का रूप दिया है। और अगर आप इस पेंटिंग के बारे में और भी डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो मैंने चंद्रशेखर के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप उसमें देख सकते हैं इस पेंटिंग की और भी डिटेल में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चंद्रशेखर से प्रेरित हुए हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आखिर में मैं चंद्रशेखर को धन्यवाद देना चाहूँगा इतनी अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।